हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 8, द ग्लोरी ऑफ भारत वर्ष. ओके, इस चैप्टर का मीनिंग है कि भारतवर्ष की जो भव्यता, ग्लोरी मीन्स होती है उसकी भव्यता. ओके, भारतवर्ष की भव्यता. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज To 8th century, we have gathered information about the rulers and heritage of various ages. India, a huge nation like subcontinent since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity due to this diversity of Indian culture. Create a confluence of diversity. Jawaharlal Nehru has called it unity in diversity. We will gather information about art and architecture, social life and our country so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. अब बेटा ये इसमें हम पढ़ेंगे मतलब ancient history के जो 8वीं सदी थी उससे जो प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमने जाना कि जो अलग अलग काल में संस्कृति शासकों के बारे में अलग अलग कौन से समय में कौन सी संस्कृति फैलो की गई, कौन कौन से शासक रहे एंड भारत की जो प्रायद्वीप कितना जितना बड़ा राष्ट्र है. भारत एक प्रायद्वीप है, अब वो बहुत बड़ा एक राष्ट्र नेशन है वो. साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो एंशियंट हिस्ट्री से अनेक जाति वहां उसमें जो प्रजातियां थी, अनेक लोग थे, उनके समूह के थे, उन देश की उनकी समृद्धि थी, आकर्षित होकर इस देश को आते रहे कि हाँ अपने भारतवर्ष की संस्कृति को, उसकी समृद्धि को जानकर बहुत सारे जो विदेशी लोग थे वो भारत में भ्रमण करने के उद्देश्य से आए थे. बहुत लोग थे जो रूल करने के उद्देश्य से आए थे. इस कारण से भारत की संस्कृति जो है विविधता का संगम कहलाता है, यानी कि डायवर्सिटी इसमें क्या डायवर्सिटी इन यूनिटी विविधता का संगम कहलाता है. जवाहरलाल नेहरू जिसे विविधता में एकता कहते हैं, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा है, डायवर्सिटी यूनिटी इन डायवर्सिटी विविधता में एकता. ठीक है, विभिन्न होते भी एकता बनी हुई है. इस देश की महान कला, इसमें जो आर्किटेक्चर्स के जो वर्क हैं एंड जो आर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम किए गए उस सोशल लाइफ से रिलेटेड इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिससे कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में भारत जो इंडिया की जो पीपल थे और उसके जो उसके जो ग्लोरियस जो हेरिटेज थे, यानी कि जो गौरवशाली विरासत की जानकारी हमें मिलती है. ओके, सो एंशिएंट इंडिया मीन्स एग्रीकल्चर, प्राचीन भारत की जो खेती थी, एंशिएंट इंडिया में जो एग्रीकल्चर था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. We get maximum food. We consume the thing we use our daily life from farm products. Farming began in ancient India. In those days, also various tools and irrigation facilities were developed for farming. ठीक है, अब इसमें बेटा क्या है, जो हमारा जो ancient India था उसमें हमारे जो मतलब regular life में जो भी चीजें यूजफुल होती थी या फिर जो भी चीजें हम यूजफुल करते थे खेती करने के लिए या फिर उसके उत्पाद मतलब जब हम उसको खेती करते थे उसमें से जो मिलती थी. स्टार्टिंग में जब कृषि जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में शुरू हुआ था तो उस समय क्या था, खेती के लिए बहुत सारे वेपन्स और सिंचाई की इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज की गई थी. अब फिर जो एंशिएंट टाइम में क्या होता, गेहूं, जौ, धान, ज्वार, ये बाजरा, तिल, मटर इन सब की भी खेती की जाती थी. ठीक है, देन टूल्स इन हड़प्पा कल्चर फ्लो हैज नॉट बीन फाउंड अमंग टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर बट फ्लो शेप्ड टॉय हैज बीन फाउंड सो ही कैन बी सेड दैट दे वर यूजिंग फ्लो फॉर फार्मिंग. यूज ऑफ आयरन टूल्स हैड बीन इंक्रीजिंग इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर. It includes axes for clearing forest and for portion of plow used the flowing soil. In addition, they were familiar with sickle, axe, etc. also. अब कौन कौन से टूल्स थे जो हमारी जो हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग कृषि में हमने हल के उसमें जो हल होता था ना, जो खेत जोतने के काम आता है हल,
वो हमें उस समय की जो संस्कृति के अकॉर्डिंग उसमें हमें नहीं दिखाई देते, उसके अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन हल्के आकार का खिलौना मिला है, मतलब एक टॉय स्टेप की कोई चीजें मिली हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि उसमें जो खेती में हल्का जो हल्की यूज होता था खेत को जोतने के लिए। ठीक है, यूज ऑफ आयरन टूल्स हैड बीन इंक्रीजिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा क्या था बेटा, जो लगभग 20 इसके अलावा जो लगभग मतलब उस टाइम में क्या था कि लोग खेती के एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के लिए आयरन लोहे से बने जो औजार होते थे उसको यूज करते थे। इट इंक्लूड्स एक्स एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। वो एक्स मैंने कुल्हाड़ी का यूज करके वो जंगल जो होती थी उसकी कटाई करते थे। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है ना, उससे वो जंगलों को साफ करने के लिए यूज किया जाता था। हल्के फॉल का समावेश उसमें कि उसके साथ ही साथ एक उसके अलावा जो फ्लो यूज था फ्लोइंग सॉइल, उसके अलावा उसमें एक जो शेप होता था वो हल्के आकार का होता जो कि खेत को फ्लो करने मतलब जोतने के काम आता था। इसके उपरांत में लोग हसिया कुल्हाड़ी से भी खेती करते थे। हसे सिकल जो होता था उसको हसिया बोलते हैं, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी से। इन सबको भी यूज किया जाता था उस समय एग्रीकल्चर के लिए। देन इरिगेशन। विदाउट रिच विलेज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग एंड देयर किंगडम टू सर्वाइव, जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स वर इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इरीगेशन ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एट दिस टाइम। कैनल्स, वेल्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स वर क्रिएटेड फॉर इरीगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है बेटा, सिंचाई होती है जो खेतों में पानी वगैरह की जो व्यवस्था की जाती है जिससे खेतों की हम सिंचाई इजिली कर सकते हैं, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। समृद्ध गांवों के बिना जो था जो राजा और राज्य जो थे वो नहीं टिक पाते। जहाँ पे जो गांव समृद्ध हो रहे हो तो बहुत अच्छे होते थे, पर वहां का जो राजा अच्छा नहीं था तो वहां पे कोई भी समृद्ध और अच्छे गांव के बिना ना कोई राजा टिक पाता था ना ही वहां पे अच्छी कोई राज्य बन पाते थे। तो क्या हुआ था, जिस तरह से खेती का तथा उसके जो डेवलपिंग के लिए जो भी नए साधन और जो भी हमने सीड्स मंगवाए गए जो इम्पोर्टेंट सीड्स थे और न्यू न्यू जो वेपन्स थे, उसी तरह से सिंचाई जो इरिगेशन के लिए भी अलग अलग तरह के मैनेजमेंट की गई थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। इस समय तो क्या था, इस टाइम जो इरिगेशन के लिए मोस्टली कॉन्टेक्ट चीजें यूज होती थी, कैनल, वेल्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वरियस यूज किया जाता था जिससे कि इरिगेशन की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंशिएंट इंडिया रूरल लाइफ। प्राचीन भारत में रूरल लाइफ किस टाइप की थी। लाइफ इन विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वाज एज फॉलो। द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्राम भोजक इन द नॉर्थ इंडिया। यूजली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली रिमेन ऑन द पोस्ट फॉर जनरेशन। दिस पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। ग्राम भोज यूज टू बी अ बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज। दिस लैंड लोनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट टू डू फार्मिंग। किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो। देर वर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द साउथर्न इंडिया, बिग लैंडलॉर्ड, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। अब एंशिएंट इंडिया में जो रूरल लाइफ थी उनका ग्रामीण जीवन कैसा था वो देखिए, गांव में रहने वाले लोगों का जो लाइफ था वो किस टाइप का था। जो हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ जो थे मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो थे, नॉर्थ और साउथ इंडिया जो थे, वहां पे जो गांव के लोग थे वो इस प्रकार का था कि वहां के जो लोग थे भारत में नॉर्थ इंडिया के, वो गांव के प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। जो गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। इसलिए मतलब फैली रूप से मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो कैजुअल रूप से तो एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसके मुखिया बनते जाते थे। ये जो उनको जो ये टाइप में मतलब उनको जो ये दिया जाता था, उनको पोस्ट जो ये दी जाती थी वो हेरिटेज होती थी, मतलब परंपरागत जनरेशन वाइज उनको दी जाती थी। ग्राम भोजक सबसे अधिक जो था जो उसके पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, बहुत ज्यादा जमीन होती थी। ये जमीन मालिक मजदूरों से यहाँ पे जो ये जो जो ग्राम के जो मुखिया होते थे वो जो मजदूर जो होते थे वर्कर से खेती करवाते थे। राजा भी कर लोग टैक्स उन्हें रखते थे, राजा भी
क्या करते थे, उनको टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उनको अपने यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको रखते थे, वे नियम कानून जो रूल्स थे रेगुलेशंस सब पालन करवाते थे वहां के लोगों को। एंड जो साउथ इंडिया में तीन प्रकार के लोग रहते थे, तीन थ्री टाइप्स के लोग पीपल रहते थे, जो थे एक बड़े जमींदार होते थे और दूसरा छोटा कृषक, यानी कि जो एक होता था बिग लैंडलॉर्ड, जो मतलब बहुत जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, एंड स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान होते थे, जो मतलब जिनके पास छोटी मोटी जमीन होती थी, और एक होते थे लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं होती थी और दूसरे की जमीन पे खेती करते एज अ सर्वेंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइवेस्ट टाउन्स। मोस्ट ऑफ द सिटीज वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास अबाउट 2500 ईयर्स अगो। दीज सिटीज वर प्रोटेक्ट बाई फोर्टिफिकेशंस। फेरियल वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी सिटीज विच वर नोन एज वेल्स। दीज वेल्स वर यूज फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन्स और डस्टबिन। पीपुल एंड रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया यूज व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट एक्सेट्रा एंड मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस। अब जो लाइफ ऑफ टाउन, शहर के लोगों की लाइफ कैसी थी, इसमें हमें ये पढ़ना है। तो जो मोस्टली जो जो सिटी में जो लोग रहते थे उसमें 20 मतलब मोस्टली जो बात की जा रही है लगभग 2500 ईयर्स पहले की बात है, जो कि महाजनपद जो होते थे उस टाइम वो की राजधानी होते थे। अधिकांश जो शहर होते थे 25 साल वर्ष पहले वो महाजनपदों की राजधानी थे। ये जो शहर थे वो किलेबंद रूप से मतलब उनके किला सिटीज जो थे प्रोटेक्ट की जाती थी, किला मतलब उनके किले बंद होते थे, किला बहुत बड़े बड़े किले होते थे जहाँ तो उसे घेरा हुआ होता था। बहुत सारे शहरों में क्या होता था, जो बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जहाँ पे बहुत अच्छे कुएं थे, वहां पे लोगों को वहां पे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की जाती थी। कुआं मतलब वहां पे कुआं थे, वलय कूप यानी जो मतलब वॉशरूम, टॉयलेट, ये सारी चीजें भी वहां होती थी। साथ ड्रेन्स और डस्टबिन की भी मतलब सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती थी। देन जो पीपल जो रहते थे जो रूरल एरिया में रहते थे एंड जो अर्बन एरिया में जो रहते थे, वो मोस्टली खाने में गेहूं, चावल, मछली, दूध, दही, फल, फूल, मांस, मछली का ही यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा, यूजली मैन एंड वोमैन वॉर टू क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स दे वॉर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द वाज कॉल्ड नीवी एंड द क्लॉथ वॉर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वाज कॉल्ड भास। समटाइम्स रैप अ क्लॉथ लाइक दुपट्टा अराउंड द अपर पार्ट विच वॉज कॉल्ड आदिवास। और जो एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो ज्यादातर वो जो पहनते थे वो वुमेन्स जो थे वो दो तरह के कपड़े पहनते थे। वुमेन्स क्लॉथ देवर वो जो लोअर पार्ट होता था उसको नीवी कह के बुलाते थे, जो कि और जो क्लॉथ ऊपर पार्ट में पहना जाता था उसको वास कहते थे। कभी कभी जो उसको रैप करके उस क्लॉथ को लाइक दुपट्टा की तरह राउंड शेप में अपर पार्ट को किया जाता था, विच वास कॉल्ड आदिवास। इस तरह से कपड़े उस टाइम लोग पहनते थे। ठीक है, एंशिएंट इंडियन आर्ट। अब एंशिएंट इंडियन आर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। हिस्टोरियंस डिवाइडेड आर्ट इन टू पार्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट इंक्लूड्स ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट एक्सेट्रा। व्हाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडेड डांस, ड्रामा। वी विल लुक इनटू दीज मैटर्स इन डिटेल। अब प्राच एंशियंट टाइम में किस तरह से इंडियन आर्ट्स किए जाते थे, जो हिस्टोरियंस उसने जो ऐतिहासिकारों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका फाइन आर्ट, सेकेंड आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ड्रॉइंग, पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर एक्सेट्रा। एंड द फाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूडेड ड्रामा, डांस। वी विल टुक इनटू दीज द मैटर्स ऑफ द डिटेल्स। ठीक है, इंडियन लिटरेचर इन इंडियन, भारत की साहित्य जो है भारत में साहित्य। इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, रिलीजन, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिस्क्रिप्शंस बाय फॉरेन ट्रेवलर। तीन भागों में डिवाइड किया गया है इंडियन कल्चर को, इंडियन लिटरेचर को। फर्स्ट है आपका रिलीजियस, सेकंड नॉन रिलीजियस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवल, जो फॉरेन जो यात्री थे, जो फॉरेन साथी थे, उसके बीच में भेदभाव की जो भावना थी उसमें। फर्स्ट है आपका रिलीजियस लिटरेचर, जो कि धार्मिक साहित्य कहलाता है। ओके,
द वेदास आर इंक्लूडेड इनटू इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया. जो वेद है वो द वेदास आर इंक्लूडेड इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऋग्वेद, ऑफ इंडिया. देयर आर फोर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद. ब्राह्मिन टेक्स्ट आर आर्याक्ष आर द क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द वेदास इन विच शतपथ ब्राह्मीन, गोपथ ब्राह्मीन एंड द वृद्ध्यर्थ में कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट. रिलीजियस लिटरेचर में क्या था बेटा, भारत में जो सबसे एंसियंट जो लिटरेचर था वो वेद माने गए हैं, जिनकी संख्या जो मतलब उसके चार हैं. कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. वेदों को समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें जो ब्राह्मण के जो ग्रंथ हैं और अरण्य की जो रचना की गई उसको हमें जानना पड़ेगा, जिसमें शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और वृद्धारण्य के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एपिक्स आर द ट्रिंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट इंडिया सोसाइटी कल्चर एंड रिलीजन. महाभारत रिटन बाय द वेद व्यास वाज इनिशियली नोन एज जयसिंह संहिता विच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग अप टू 1 लाख श्लोक्स एंड महाभारत वाज क्रिएटेड सिमिलरली. रामायण रिटन बाय द वाल्मीकि डिपिक्स सोशल लाइफ एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स अलोंग विद श्री रामाज स्टोरी. इसके अलावा रामायण और महाभारत भी हैं, ये जो ये इपिक्स माने गए हैं, मोस्ट महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य माने गए हैं, जो कि हमारे जो इंडियन कल्चर जो है, सोशल लाइफ एंड सोशल कल्चर एंड रिलीजियस का त्रिगुल माना गया, त्रिवेणी का संगम माना गया है. मतलब ये तीनों को संगम माना गया. किस किस का? जो रामायण और महाभारत है ना, जो प्राचीन महाकाव्य माने जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट ये इपिक्स है महाकाव्य जो है, इसको त्रिवेणी का संगम माना जाता है, क्योंकि इसमें समाज से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड और हमारे धर्म से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है. महाभारत किसने लिखा है? महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है. ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, और साथ ही जय संहिता नाम से ही पहचाना जाता था, जो कि आगे चलकर 1 लाख श्लोक का महाभारत हो गया, जिसमें लगभग जो महाभारत उसमें लगभग 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं. उसी तरह से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, भगवान श्री राम की कथा के साथ आदर्श सामाजिक जीवन और नैतिक बल पर उन्होंने चित्रण किया है. इसमें अबाउट 100 उपनिषद ऑफ ओरिजिनल इंडियन कॉम्प्लिनेशन कथा के ना प्रसना मुंडका मंडुक्य ईश्याम चांडोग्य उपनिषद आर ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी. द नंबर ऑफ पुराण इज 18. अमोंग देम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वैश्य पुराण एंड मत्स्य पुराण एज वेल एज भागवत आर नोन एज अ स्पेशल टेक्स्ट. लगभग 108 जितने जो हैं वो उपनिषद जो हैं भारतीय के अपने इंडियन कॉम्प्लिनेशन की कथा में जाने जाते हैं. लगभग 108 के लगभग उपनिषद लिखे गए हैं, जो कि भारतीय दर्शन का महामूल ग्रंथ है. इसमें इंपॉर्टेंट ग्रंथ माने गए हैं, लाइक मोस्टली 108. कठ, केन, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, ईश्वाश्यम और छांदोग्य उपनिषद भारत के जो इन सब में ये सब इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इंडिया में. पुराणों जो पुराण है उसकी संख्या मोस्टली 18 है, जिनमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत जो है विशिष्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ के रूप में जाना जाता है. ठीक है, वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजन इन बुद्धा एंड जैन टेक्स्ट. हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है धार्मिक धर्म से रिलेटेड, वो बुद्ध, बौद्ध और जैन धर्म से हमें मिलती है. ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म से उसके इंपॉर्टेंट द ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिका. त्रिपिका इंक्लूड्स सूतक पीटिका एंड विनय पीटिका एंड अभिधम पीटिका अलोंग विद दीज दिद धन्यका काय नहीं सॉरी इसके अलावा क्या त्रिपिटिका इसके अलावा जो दिद निकाय इसको पढ़ेंगे हम दिद निकाय एंड और उसके दिद निकाय एंड अंगुत्तर निकाय एंड मजिम निकाय ये सारे मजिम निकाय और अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट मिलिंद
पन्होनो एंड नागसेन एंड श्रीमुल कल्पा और आर्यमंजिशी आर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. टू ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट राइटर्स इन द तिब्बतन लैंग्वेज आर कनग्योर एंड तेनग्योर. मैथिकल स्टोरीज जातक कथा जो जातक कथा जो है इसमें एंड दिधिकनाय एंड मिजिमिनिकाय ये सारे जो क्या है ये ऑल्सो ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. इन एडिशन बृहदत्त कथा एंड हरिवंश पुराण विष्णु देवीधि एंड सिद्धम शब्द अनुशासन एंड देवश्रीय एंड कृति कमुदी आर मेन टेक्स्ट. जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड अगम टेक्स्ट. देयर आर 12 अगम ग्रंथ. द एंशियंट जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 14 पर्व्स एंड 12 टेक्स्ट अंगना. द मेन टेक्स्ट इंक्लूडेड अगम्स आचार्यनगा एंड विटालिक दशविटालिक सूत्र. इस तरह से क्या है विटर्स में जो बौद्ध और जैन धर्म की जो इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है उसमें से सामाजिक जीवन के बारे में धर्म से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. जो बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ थे वो त्रिपिटक कहते थे उसको. उसमें सुतपिटक विनय पिटक अभिधम पिटक ये तीनों उसमें उसमें कंबाइंड किए हुए. इसके अलावा जो जातक कथाएं हैं दिधि निकाय एंड अंगुत्तर निकाय और मजीम निकाय ये सारे जो ग्रंथ हैं ये सब भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है ये सारे जो टेक्स्ट है ग्रंथ को टेक्स्ट बोलते हैं सारे इम्पोर्टेंट है. नागसेन का मिलिंद पानो और आर्यमंजिशी एंड श्रीमूल कल्प ये सारे भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं. तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्म की कछार और तंजर दो प्रसिद्ध संहिता भी लिखी गई है. जातक कथाएं दधि निकाय मजमि निकाय और बौद्ध ग्रंथ है. इसके बाद बृहद कथा हरिवंश पुराण वासुदेव हिड़ी एंड सिद्धम शब्द अनुशासन दयाश्रय और कार्तिक कौमुदी ये सारे इम्पोर्टेंट है. ठीक है एंड आपका नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस लिटरेचर. लिटरेचर टेक्स्ट हुज कंटेंट इन अदर देन रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस लिटरेचर. दे मोस्टली इंक्लूडेड पोएम्स ड्रामा एकोलेट्स ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृति आर हिंदू लॉ टेक्स्ट. दे इंक्लूड मनुस्मृति यज्ञवल क्या स्मृति एंड नारद स्मृति एंड कौटिल्यास अर्थशास्त्री ऑल्सो लॉ टेक्स्ट. नॉन अब इसमें क्या जो धर्म से रिलेटेड जो साहित्य से उसके बारे में बताया गया है कि जिसकी मतलब लिटरेसी टेक्स्ट जो थे साहित्य की जो किताबें थी वो धर्म से अलग है. ऐसे साहित्य ग्रंथों में जो धर्म इतर सही साहित्य जो रूप में मानते हैं इसके अलावा नॉन रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो लिटरेचर है वो मानते हैं. इसमें काव्य मतलब मोस्टली इसमें ड्रामा पोयम एकोलेट्स एंड ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिज ये सारे इंक्लूड है. ये जो स्मृतियां हैं भारत की मतलब इसके अलावा इसमें हिंदू और उसकी लॉ की भी टेक्स्ट बुक रखी गई है. साथ ही साथ इसमें जो मनुस्मृति आज्ञवल्क स्मृति और नारद स्मृति को माना जाता है. कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी ये नियम का ग्रंथ माना जाता है. ठीक है अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेज एंड पोएम्स वर रिटन इन द एंशियंट इंडिया. दीज इंक्लूड ग्रेट पोएट्स लाइक महाकवि भास कालिदास सुदर्शन भारवी एक्सेट्रा एंड अमोंग सच इम्पोर्टेंट इपिक्स अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम कीर्तनार्जुनम एंड स्वप्नवर्षम एंड उसके अलावा क्या है बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कीर्तार्जुनियम एंड स्वप्न वासवदत्तम एंड मृच कटिकम ये सारे एपिक्स जो थे इम्पोर्टेंट थे इसमें इंक्लूडेड हैं. इन साउथ इंडिया स्पेशल लिटरेचर कॉल्ड सोनागम लिटरेचर वॉज कम्पोज इट वॉज ए कम्पोज इन फर्स्ट 3 centuries अबाउट 1600 फ्लोक पोएट्स कम्पोज हीरोइक पोएम्स इन 3 संगम्स इन मदुरई इन हिज लिटरेचर शिल्प पडिकुनम एंड मिनी मेक कहलाई आर वेरी इम्पोर्टेंट. अब इसके अलावा बेटा जो जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में सॉरी साउथ इंडिया में क्या था एक
विशेष तरह के लिटरेचर थे जिसको संगम साहित्य का नाम के नाम से जाना जाता था। उसकी रचना ईसापुर में प्रथम 3 सदियों में मानी जाती है। मदुरई में 3 संगम 1600 ईस्वी जिसके लोक कवियों वीर कवियों की रचना की गई। इसके साहित्य में शिल्प दिकारम अमणि मणि में खलाई ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं। देन बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत पाणिनीस अष्टाध्यायी विच वाज कंपोज्ड इन 5th century BC अशोका इंस्क्रिप्शन आल्सो इंफॉर्मेशन अस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर एंड एथिकल रूलर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया सिटेशंस पोएट्री एंड टेक्स्ट डेवलप्ड ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्त एज हरिसेन वाज राइटर ऑफ समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति वीरसेन सभावास द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज उदयगिरी बाना हैज पैराइज प्रेस्ड हर्ष इन हर्ष चरित्र। अब इसमें इस टॉपिक में बेटा ये है जो क्रिएशन पोएट्री जो बहुत सारी पोएट्री का भी डेवलपिंग हुआ था किसके गुप्त काल में बहुत सारे पोएट लिखे गए थे बहुत सारे इपिक्स लिखे गए थे। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति जो बुक लिखी गई थी उसके लेखक कौन थे हरिसेन थे। तो उदयगिरी के चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने प्रशस्ति के लेखक वीरसेन को साबा थे उसके साबा माने वाण ने हर्ष चरित्र में हर्ष की प्रशंसा की है। डिस्क्रिमिनेशन बाय द फॉरेन ट्रेवलर discrimination by the foreign traveler. Many foreign tourists have been coming to India since centuries who have written their travelog. These travelogues give us information about Indian culture and life of people. Among such travelers, Greek ambassador Megasthenes who lived in the court of Chandragupta Maurya is very important. He has written an excellent book named Indica from which we get information about the Maurya age. Similarly, a book written by the Greek sailor Ptolemy about geography gives us information about ports of India. Phaena and Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II and the Chinese traveler Hien Sung who came at the time of Emperor Harshvardhan have given a unique discrimination of India's social life, rulers and culture of that time. बेटा इसमें क्या है भारत में मतलब बहुत ही पहले से सदियों से क्या हुआ था इसमें हमें जो विदेशियों के यात्रियों का जो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन किया है। भारत में सदियों से क्या अनेक विदेशी यात्री जो थे भारत आए थे फॉरेन ट्रेवलर जो थे इंडिया आते रहे थे जिन्होंने अपने भारत के बारे में डिस्क्रिमिनेशन किया है वर्णन किया है ठीक है डिस्क्राइब किया है अपने देश के बारे में उनकी जो उस वो अपने जो स्टोर किया मतलब के बारे में बताते हैं भारतीय संस्कृति उसके लोक जीवन की जान के बारे में उन्होंने लिख बताया है। ऐसे यात्रियों में चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगस्थनी सबसे इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी थी इसके मौर्य काल के विषय के बारे में जिससे हमें पता चलता है। इसी प्रकार गिर के नाविक टालमी द्वारा भूगोल के बारे में लिखे गए ग्रंथों से भारत के जो बंदरगाह है जो पोर्ट्स है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में चीन से आए फाहियान ने और सम्राट हर्ष के समय में आए चीनी यात्री हेनसांग ने उस समय के भारतीय कल्चर इंडियन कल्चर उसके सोशल लाइफ के बारे में वहाँ के रूलर्स के बारे में वहाँ की संस्कृति के बारे में पूरा पिक्चर क्रिएट किया मतलब पिक्चर के पूरे सबको डिस्क्रिमिनेशन किया है और डिस्क्राइब किया है ओके। देन आपका नेक्स्ट है आपका ट्रेडर्स न्यू रूट्स इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटीज विद फॉरेन कंट्रीज इंडियाज प्रॉस्पर्टी वाज एट इट्स पीक ड्यू टू ट्रेड ट्रेडिंग वाज डन थ्रू लैंड रूट्स एंड सी रूट्स लोथल वाज द मेजर पोर्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एट लोथल एयर कैरेज डॉकयार्ड एंड warehouse have been found which provide us information about sea transport. The people of Lothal used to make various pottery utensils and various kinds of jewelry. Trading was done of beads made from oysters and ivory, Indian sticks and condiments and precious stones were
इन ग्रेट डिमांड कॉटन सिल्क एंड स्पाइस वर एक्सपोर्ट टू यूरोप विया सेंट्रल एशिया थ्रू इन इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक खंबार भरूच सोप्रा एंड ताम्रलिप्ति कॉटन टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल स्पाइसेस सिनेमोन टिम्बर वर एक्सपोर्ट टू कास्ट एंड वास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल गोल्ड सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड मैनी पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू द रिमोट एरियाज ऑन फुट एंड ऑन हॉर्स बैक दे यूज टू कैरी सिल्क क्लॉथ विद देम द रूट दे ट्रेवल ऑन वॉज नोन एज सिल्क रूट द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना इंडिया एंड अरबिस्तान ग्रीस एंड रोम वर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड रूट जो एंशियंट टाइम में क्या था भारत जो है अनेक चीजों का तथा विदेशियों के साथ उसका मतलब अच्छा बिजनेस था मतलब अच्छा कॉमर्स मतलब इकोनॉमिक्स के तौर पे और कॉमर्शियल तौर पे बहुत अच्छा ट्रेड था बहुत अच्छा व्यापार था उसके लिए भारत जो था बहुत ही फेमस था इसके अलावा ट्रेडिंग मतलब ट्रेड के व्यापार की कारण जो भारत की जो था इकोनॉमिक इकोनॉमिक तौर पे भी बिल्कुल स्ट्रांग था इस यहाँ पे अपने भारत में देश से विदेश के साथ साथ अच्छे मतलब बहुत अच्छे ट्रेडिंग बिजनेस हो गए थे रोडवेज के द्वारा एंड सी रूट के द्वारा के साथ अच्छा ट्रेड किया जाता था इन रूटों से लोथल हड़प्पा कालीन संस्कृति जो थी वो सबसे बड़ा पोर्ट था उस टाइम लोथल में बंदरगाह जो थे पोर्ट जो थे गोदी डाकयार्ड नाव के लिए लंगर और बखार के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो समुद्री व्यापार की जानकारी देते हैं कि समुद्र से कितना बड़ा व्यापार होता था लोथल के लोग मिट्टी की विविध लोथल के लोग जो थे वो मिट्टी के अलग अलग टाइप्स के अलग अलग शेप के बर्तन तथा गहने बनवाते थे सिल्क खड़ी सीप और हाथी दांत में से निर्मित जो मणकों से व्यापार होता था इन सब चीजों का व्यापार होता था उस टाइम बिजनेस किया जाता था भारत के जो मिर्च मसाले जो कि स्पाइसेस जो होते थे और बहुत से जो बहुत ही कॉस्टली स्टोन्स जो होते थे वो उनकी मांग होती थी फॉरेनर विदेशों में भारत के जो रोडवेज थे जो मतलब जो रोड के रास्ते थे मध्य एशिया से होकर यूरोप तक वहां से कौन कौन सी चीजों की सप्लाई होती थी बेटा लाइक द कॉटन क्लॉथ सिल्क क्लॉथ एंड स्पाइसेस ये सारे वहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे खंबाल भरूच सोप्रा और ताम्रलिप्ति और अंतरराष्ट्रीय ये सारे जो पोर्ट थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड में वेस्ट ईस्ट सभी जगह पे कॉटन क्लॉथ रेशम सिल्क क्लॉथ एंड स्पाइसेस तेज पत्ते वुड्स ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे जबकि जो गोल्ड से सिल्वर से और भी अनेक जो कॉस्टली चीजें होती थी वो भी यहाँ से आयात अन्य जो चीजें थी वो आयात भी की जाती थी ओके okay?